हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये एक छोटा सा क्लिप है मदर्स डे से एक दिन पहले का, जिस दिन मैंने आपको बोला था ना मुझे ऑफिस जाना है राजमा चावल लेके, मेरी बेटी आएगी तो ये राइस नूडल्स बना के लेके आई थी मेरी बेटी, और साथ में लेके आई थी दही भल्ले और मैं ले गई थी राजमा चावल, और जो भी था वो हमने लगा दिया था टेबल पर और मैं फिर थोड़ा सा जिम चली गई थी। और आज के व्लॉग में मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ करेले बनाने का। ये दो तीन क्लिप मैंने पिछले जोड़ दिए हैं कल वाले, ताकि किसी को देखना हो तो दिक्कत ना हो कि कैसे शुरुआत करती हूँ मैं। और मेरी जो भी रेसिपी होती है वो सिर्फ बिगनर्स के लिए होती है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से मैंने छील के काट लिए थे, नमक लगा दिया था और उसके एक डेढ़ घंटे बाद मैंने करेलों को धो दिया था और बीज भी निकाल दिए थे। और अब मैं आपको बता रही हूँ करेलों का मसाला कैसे तैयार करते हैं। तो मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है और 2 चम्मच ही मैंने ली है सौंफ, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 1/2 चम्मच मैंने ली है कलौंजी जो अचार में डलती है आम के में। तो थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया है, ये देखो मैं हाथ से भी कर पा रही हूँ, इसका मतलब मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया है इसको। और जब इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं, उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी थोड़ा दरदरा सा। और ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, सिर्फ 2 बार के करेलों के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि ज़्यादा हम ये तैयार करके रख देते हैं ना तो फिर इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। जितना आपको मसाला चाहिए ताज़ा ताज़ा पीस लो तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब मैंने करेले तलने लगी हूँ। मैं करेले इसी तरह से तल के बनाती हूँ ज़्यादातर, मुझे वो मसाला भर के और धागा बांध के करेले बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है अंदर। एक एक करेले को मैंने आराम से ऑयल के अंदर छोड़ दिया है। और हाँ, 2 बैच में मैंने ये तले हैं और ये देखो अच्छे तरीके से इनको तल रही हूँ, और बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना गैस के ऊपर इनको, क्योंकि छोड़ के जाते ही फिर ये किसी न किसी साइड से ज़्यादा काले या लाल हो जाएंगे। तो वहीं खड़े होके इनको अलट पलट कर रहा है, और जैसे जैसे जो जो करेला होता गया है मैंने चिमटे से पकड़ के उनको निकाल दिया है, और थोड़ी देर के लिए इस तरह से रखूँगी ताकि सारा ऑयल इसका निकल जाए। और प्लेट में भी मैं कोशिश करूँगी कि इनको थोड़ा सा खड़ा करके रखूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका बाहर आ जाए। और अब इनका ये दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ। आज मैंने पूरे 1 किलो करेले बनाए हैं, वैसे मैं 1/2 किलो ही बनाती हूँ और वो फटफट से ख़त्म हो जाते हैं, तो आज मैं थोड़े से ज़्यादा बना रही हूँ। और ये मैं मसाले के लिए ले रही हूँ प्याज, टमाटर, अदरक और थोड़ा सा लहसुन। और थोड़ा अब मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है, क्योंकि पहले ही करेलों को मैंने तल लिया है, तो अब मैं थोड़ा कम ऑयल ही डालूँगी। तो थोड़ा सा जीरा डाला है, प्याज डाली है और लहसुन डाला है, और इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं डालूँगी टमाटर की जो मैंने प्यूरी करके रखी है वो, और अदरक, और हल्का सा इसमें मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक डालने से प्याज जो है उसका रस जल्दी जल्दी निकलने लग जाता है और वो अच्छे से भून जाती है, मतलब कम टाइम में। और अब मैंने इसके अंदर प्यूरी डाल दी है अदरक के साथ, और जो मैंने ये इसके लच्छे रखे हैं, छिलके रखे हैं निकाल के, उसको भी मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी, और सारे मसाले डाल दूंगी, धनिया वगैरह। और 2 चम्मच मैंने वो मसाला डाला है अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, ताज़ा ताज़ा पीसा है, और नमक डाला है साथ में, हरी मिर्च डाली है लंबी लंबी काट के, वो तो चाहे आप जैसे मर्जी काट के डाल सकते हो। और बस अब इसे ढक के रख दूँगी, और 2-3 बार मैंने इसको चला लिया था, और इसमें थोड़ा सा मैंने अमचूर भी डाला है और 1 चम्मच मैंने चीनी भी डाली है, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया था। तो अभी ठंडा हो जाएगा तो मैं इन तले हुए करेलों के अंदर इनको भर लूँगी। और इस तरीके से करेले बनाने से ना ये देखने में भी मतलब सुंदर लगते हैं, उनमें तो पूरा मसाला निकल निकल के बाहर भी लग जाता है ना, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और पूरे करेले मैंने इस तरीके से भर लिए हैं, और थोड़ा सा मसाला भी बच गया है मेरा, तो वो मसाला तो वैसे भी रोटी पे रख के खाया जाता है। तो आज मैंने आपको पूरी फुल रेसिपी दे दी है करेलों की, कि कोई नए बच्चे भी हैं तो वो आराम से इजीली बना सकते हैं। और करेले तो मैंने पूरे तैयार कर दिए, और पूरी रेसिपी आज डालूंगी करेलों की, और अब जब खाएंगे सब जने तब बताएंगे कैसे बने हैं। फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे ना यहाँ की वो लेके आनी है
तार होती है ना पर्दे टांगने वाली, ये देखो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर मैं वो तार से पर्दा टांगूंगी क्योंकि यहाँ से काफी रोशनी आती है, तभी एक पर्दा होना चाहिए। तो अभी जा रही हूँ मार्केट, पहले दूसरी मार्केट गई थी वहां मिली नहीं, अब दूसरी मार्केट जा रही हूँ तो वहां से ढूंढ के लेके आती हूँ तार। और ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन, और राधे राधे सभी को।